दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती, मगर दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ नहीं बदलने वाला, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और खुद को बदलना पड़ेगा, कामयाबी निश्चित है। और फिर कुछ ऐसे ही 8 साल की उम्र से गली मोहल्ले से टेनिस बॉल से क्रिकेट की शुरुआत करने वाले शशांक सिंह एक ऐसे हार्ड हिटिंग इंडियन बैटिंग ऑलराउंडर है जिन्हें अपना IPL डेब्यू करने के लिए 5 साल तक बेंच पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। और फिर सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से जब उन्हें गुजरात टाइटंस के विरुद्ध सिर्फ 6 बॉल खेलने का मौका मिला तो शशांक सिंह ने नाबाद 25 रन बनाकर रातों रात हक पॉपुलरिटी गेन कर अपनी टीम के बैटिंग सेंसेशन बन गई। दोस्तों, शशांक सिंह का जन्म 21 नवंबर 1991 को छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में एक वेल सेटल्ड एजुकेटेड फैमिली में हुआ था, जिनकी माँ रिलायंस में जबकि पिता पुलिस में और सिस्टर वेल रेपुटेड कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग थी। मगर शशांक का बचपन से ही क्रिकेट में इंटरेस्ट के चलते स्कूलिंग के दौरान उन्होंने 10 साल तक लगातार 6-6 घंटे पसीना बहाकर तगड़ी प्रैक्टिस की, मगर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट फ्यूचर को देखते हुए 2008 में वह भिलाई से मुंबई शिफ्ट हो गए। शशांक ने 2008 में विद्या पराड़कर क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर कोच विद्या पराड़कर की देखरेख में और प्रैक्टिस की और मेहनत की, और फिर कुछ सालों में अपने क्रिकेट स्किल के साथ साथ अपने खेल को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना दिया, जिसके बाद डाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन कर मुंबई में क्लब क्रिकेट खेलने लगे, जिन्हें 2015 में जब 23 बॉल में नाबाद 65 रन की इनिंग्स खेलते देखकर मुंबई के सिलेक्टर्स ने उन्हें तुरंत मुंबई की 2020 टीम में सिलेक्ट किया, जिन्हें बहुत जल्द विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए क्रिकेट की शुरुआत और फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू करने का अवसर मिला। शशांक की डोमेस्टिक बैटिंग स्टेट्स और बॉलिंग स्टाइल से इंप्रेस होकर 2017 में उनका बिडिंग हुआ IPL में और दिल्ली डेयर डेविल्स ने इनको 10 लाख में खरीद लिया, मगर प्लेइंग 11 में उन्हें खेलने का अवसर नहीं मिला, जिन्हें 2018 में एक बार फिर बेंच पर बैठकर ही इंतजार करना पड़ा। और फिर शशांक ने 2018 में पांडिचेरी के लिए अपना डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू किया और 2019 में छत्तीसगढ़ मूव कर गए, जहां छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने अपना रणजी क्रिकेट डेब्यू किया, जिन्हें एक बार फिर 2019 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 20 लाख में खरीद लिया और 2020 में उन्हें रिटेन भी किया, मगर दोनों ही सीजन में खेलने का अवसर नहीं मिला और फिर 2021 में उन्हें रिलीज कर दिया। ऐसा इंसिडेंट किसी भी बंदे को गेम से हिलाकर रख सकता है यार, पर शशांक ने हार नहीं मानी और फिर उसने और मेहनत की और प्रैक्टिस की, जिन्हें 2022 IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 20 लाख में खरीद लिया। और फिर जब उन्हें गुजरात टाइटंस के विरुद्ध 6 बॉल खेलने का मौका मिला तो शशांक ने लास्ट ओवर में नाबाद 25 रन बनाकर रातों रात अपनी टीम के बैटिंग सेंसेशन बन गए। इसे कहते हैं जुनून अपने खेल के लिए, अपने गेम के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, जिन्हें इस एक अवसर के लिए 5 साल तक बेंच पर बैठना पड़ा, जिसने ना जाने कितने पापड़ पहले और कितना दर्द सहन करना पड़ा। पर कहते हैं ना, लोहा वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है जो सबसे ज्यादा तेज आग में जलता है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में हमेशा खुद को हमेशा ट्रेन करते रहना चाहिए, अपने स्किल्स पर लगातार काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने ऐसी स्पॉटलाइट हम पर आ जाए और हम उसे एक मौके को चूक गए ना तो दोबारा ऐसा मौका शायद फिर ना मिले। तो दोस्तों, ये थे शशांक सिंह। अगर आप शशांक के फैन है तो इस वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।